इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में आज आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको थोड़ा सा इजी मेथड और भी ज्यादा आसान मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत ही फटाफट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम खींच सकेंगे। और आज मैं थोड़ा एडवांस लेवल के एक आध प्रॉब्लम भी बताऊंगा, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपको सीखना है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम तो इस वीडियो को पूरा देखिए जरूर। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लॉ दिया और वो लॉ जो है अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, लॉ है मूलर्स वेस्लॉ प्रिंसिपल। तो ये तो था स्टेटमेंट और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से 90% लोगों को ये ज्यादा समझ में आया नहीं होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा समझाता हूं कि ये कितना काम का है। इन्होंने क्या कहा, मान लीजिए कि ये कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक रोलिंग लोड जो है इस पे मूव कर रहा है, 1 यूनिट का लोड है मूव कर रहा है। और हमने सीखा था कि सपोर्ट रिएक्शन का बेंडिंग सपोर्ट रिएक्शन का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे खींचते हैं, तो उस जिस तरह से हमने सीखा था उसे कहते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर क्वेश्चन में ये लिख दे कि आप बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से IL खींचिए तो जो मैंने पिछले 3-4 वीडियो में बताया है आप वैसे ही खींचेंगे, लेकिन अगर सिर्फ ये कहे कि IL खींचिए देन आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, इस बीम को लीजिए, अब ये सपोर्ट रिएक्शन है, मान लीजिए यहाँ VA है और ये VB है सपोर्ट रिएक्शन, और ये मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो कहता है प्रिंसिपल कि जो भी जो चीज जहां का भी आपका निकालना है, जैसे इसका सपोर्ट रिएक्शन का निकालना है तो पहले सपोर्ट हटा दीजिए, एक दूसरा बीम बनाता हूं मैं, रेफरेंस बीम बनाता हूं, और मैंने क्या किया ये बीम है, यहां पे सपोर्ट रहने दिया और यहां पे सपोर्ट हटा दिया, और सपोर्ट हटाने के बाद इस पे फोर्स लगाएंगे VA, तो क्या होगा, ये बीम ऊपर से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो डिफ्लेक्ट हो गए वो, ये किसी इस तरह 1 यूनिट हम ऊपर डिफ्लेक्ट करा दें और इस तरह से बनाए, तो ये हो जाएगा ILD4 सपोर्ट रिएक्शन RA। ठीक है, उसी तरह अगर VB खींचना हो तो VB खींचेंगे तो क्या करेंगे, इसको हटा के ऊपर डिस्प्लेस कर देंगे तो पूरा भी ऐसे डिप्लेस हो जाएगा, तो इसको डिफ्लेक्ट करा दिया तो ये ऊपर गया जैसा बन गया और ये हो गया यूनिट। देखिए कितना आसान है, ये बीम लिया सपोर्ट हटाया और इसको उठा दिया 1 यूनिट, तो ये ILD बन गया RA का। उसी तरह ये बी का निकालना है, बी का सपोर्ट हटाया और इसको 1 यूनिट ऊपर खिसका दिया, तो जो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप बन गया यही हो गया ILD ऑफ RB। चलिए अब आते हैं शेयर फोर्स, मान लीजिए कि यहां से ए डिस्टेंस पर कोई सेक्स कोई पॉइंट है डी और कहता है कि डी पे आप निकालिए शेयर फोर्स का ILD, तो यहां पे क्या रिस्ट्रेंड कर रहा है, शेयर, तो यहां पे शेयर रिलीज कर दीजिए, यानी शेयर जीरो नहीं, इसको काट दीजिए, दोनों को बीच में से काट दीजिए। तो मैंने क्या किया, एक बीम बनाया, यहां सपोर्ट है इसको प्रोजेक्ट किया और यहां पर काट दिया, काटने के बाद क्या होगा कि यहां पे शेयर फोर्स लग रहा था, तो ये शेयर फोर्स लगने की वजह से इधर वाला बीम जो है नीचे चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव होता है और इधर वाला पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये शेयर फोर्स क्या करता है, आपस में एक दूसरे को रोकता है, जब रोक नहीं पाएगा तो एक नीचे और एक ऊपर चला जाएगा, तो ये मान लीजिए ऐसे चला गया और ये बीम ऐसे चला गया, तो ये हो गया ILD4 शेयर फोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये कितना ऊपर और कितना नीचे जाएगा, तो ये भी आसान है, अगर ये A है तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस A,
अगर ये टोटल एल था, ये ए है तो ये एल माइनस ए, तो ये कितना नीचे जाएगा, इसका डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस कितना है एल माइनस ए डिवाइडेड बाय एल, और ये कितना ऊपर जाएगा, इसका डिस्टेंस यानी ए बाय एल। तो ये तो हो गया शियर फोर्स का, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसानी था, बीच में से काट दो, ऊपर नीचे कर दो, आईएलडी मिल गया, कितना आसान है। अब आ जाओ बेंडिंग मोमेंट, मान लो कि बेंडिंग मोमेंट का आईएलडी खींचना है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या, यहां पे क्या रजिस्ट कर रहा है, मोमेंट अगर रजिस्ट कर रहा है तो मोमेंट को अगर हटा दे, रिलीज कर दे, तो यहां पे क्या लगा देंगे हम, हिंज। जैसे ही हिंज लगाएंगे ये बीम ऊपर या नीचे चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर डिफ्लेक्ट करा देते हैं, तो ये बीम अगर मोमेंट की वजह से ये ऐसे ऊपर मूव कर गया, मान लेते हैं कि ऐसा मूव हो गया ये, और मोमेंट की वजह से क्या होता है, रोटेशनल डिफ्लेक्शन, तो ये मान लीजिए थीटा वन और ये हुआ थीटा टू, तो क्या कराते हैं कि ये जो हाइट होगा वो कितना होगा, ये है हमारा ए, ये है एल माइनस ए, मुझे पता करना है हाइट, तो ये दोनों जोड़ के वन होना चाहिए क्योंकि ये आई एल डी है, तो थीटा यहां लिखता हूं मैं, थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर वन, और यहां थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा टू कितना हो जाएगा, दिस हाइट जो हमें निकालना है एक्स, मान लेते हैं ये एक्स है, या डेल्टा, डेल्टा मानते हैं इसको, एक्स नहीं मानते हैं, डेल्टा मानते हैं, डेल्टा बाई ये या ये दोनों लगभग, ये थीटा टू बहुत स्मॉल है तो डेल्टा बाई दिस कर सकते हैं, तो डेल्टा बाई ए प्लस ये डेल्टा बाई एल माइनस ए इक्वल टू वन, और यहां से हम इजिली डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल्टा कैलकुलेट करके यहां पे हम, हमें पता चल जाएगा कि यह हाइट कितना है, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट का। तो इस तरह से हम किसी भी चीज का आसानी से शियर फोर्स डायग्राम, और ये इनडिटर्मिनेट बीम में भी काम करेगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं इनडिटर्मिनेट बीम का, मान लीजिए कि ये कोई बीम है, फिक्स है दोनों तरफ, और कोई रोलिंग लोड इसको मूव कर रहा है। अब कहा जाए कि रिएक्शन एट ए, आर ए और ये आर बी है मान लेते हैं, तो आर ए का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम खींचिए, तो आर ए का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे खींचना है, वही मेथड है, इसको रिलीज करके ऊपर अगर उठाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, लेकिन इस बार अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि यहां पर फिक्स है, तो इस तरह का शेप आएगा, कर्वेचर वाला शेप आएगा, और ये हाइट हो गया वन, बाकी का हाइट अब इसमें निकालना है, आपको पैराबोलिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना होगा। मैं ये सब नहीं बताऊंगा वीडियोस में क्योंकि ये सब चीजें शायद इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप हाई कुछ अलग चीज का है, कोई ईएस वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप इतना सीखने के बाद खुद बुक से कंसल्ट करके इस तरह के इनडिटर्मिनेट बीम्स का जो भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है उसको खुद सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेल कीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। तो इस तरह से आरए का खींच सकते हैं, उसी तरह आरबी का क्या हो जाएगा, आरबी का होगा इसको उठा दिया तो इस तरह से बनेगा, तो इस तरह से शेप बनेगा क्योंकि यहां पे फिक्स है, सिंपली सपोर्टेड था वैसा बनता था, फिक्स है वैसा बनता है, तो ये था। इसी तरह हम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का भी आराम से खींच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह का डिफ्लेक्शन होगा। तो ये था मोलर्स ब्रेसलॉ प्रिंसिपल का यूज करके हमने आईएलडी खींचना सीख लिया। अब मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बताता हूं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से अंदर आ जाए, दिमाग में समा जाए। तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक बीम है, मान लीजिए कि ये एक बीम है और यहां से 2 मीटर और यहां से 2 मीटर, थोड़ा स्केल में बनाने की कोशिश करता हूं ताकि रियलिस्टिक लगे।
दो मीटर है, मान लीजिए ये है जो 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है। और ए पॉइंट हो गया ए, और ये आपका जो है पिन सपोर्ट है, यहाँ पे है रोलर सपोर्ट, मान लीजिए ये आपका पॉइंट हो गया बी, और बीच में एक पॉइंट है यहाँ से 2 मीटर पे, ये 2 मीटर पे है सी, और यहां से ये जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो ये है प्रॉब्लम। अब इसमें कहता है कि आपको खींचना है आईएलडी ऑफ ए सपोर्ट का, ए का सपोर्ट का, बी का सपोर्ट का खींचिए, शियर फोर्स है सी बताइए, और बेंडिंग मोमेंट है सी का आईएलडी खींचिए। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का टास्क है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग मूलर्स ब्रेसलॉ प्रिंसिपल से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खींचते हैं, यहां लिखता हूं मैं आर बी, रिएक्शन एट बी का हम आईएलडी खींचते हैं। तो सबसे पहले तो एक लाइन इसके बराबर खींच लेता हूं, ठीक है। ये मेरा पॉइंट हो गया सपोर्ट पॉइंट, और ये हो गया पॉइंट। क्या कहता है हमारा थ्योरी, क्या कहता है, सपोर्ट को हटाओ और ऊपर 1 यूनिट डिस्प्लेस कर दो। तो ये बीम है, मान लो ये अगर बीम है, यहां से यहां तक ये बीम है, एनीवे ये डंडा है, यहां पे उठाया, यहां तो सपोर्ट है, इसको ऐसे उठा दिया, तो ये डंडा क्या हो जाएगा, ऐसा तिरछा हो जाएगा। 1 यूनिट मैंने ऐसे उठा दिया, ये 1 यूनिट, तो ये डंडा करीब ऐसा ऐसा हो जाएगा, इस तरह का शेप हो जाएगा, यहां पे हिंज हो जाएगा, और ये ऐसे करके हमने उठाया तो डंडा का जो शेप होगा ये बन जाएगा, और ये जो बना यही आपका आईएलडी है, आईएलडी ऑफ ए आर बी, रिएक्शन एट बी। अब इसका ये सारे वैल्यूज हमें ऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ये तो हमारा 1 मीटर है ही, एक है यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमें निकालना है और ये निकालना है। तो देखिए यहां से यहां तक 6 दिया हुआ है, तो 6 मीटर में कितना उठा, 1 मीटर है ना। उसी तरह ये, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा, तो उसी तरह से हम लोग रेशियो से कर सकते हैं। ये आसान है, मैं बहुत ज्यादा इसमें लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा। यहां से यहां तक 6 मीटर, 6 मीटर में 1 उठता है, तो 2 मीटर में कितना डाउन होगा, 1/3 होना चाहिए। उसी तरह अगर हम यहां से एक लाइन खींचे, ठीक है, तो यहां से यहां तक तो 1 हो गया, और ये कितना है, 2 मीटर में कितना डाउन होता है, 1/3, तो 2 मीटर में जाओ 1/3 उठ जाएगा, यानी टोटल जो ये हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1+1/3। तो ये हो गया आईएलडी ऑफ आर बी। उसी तरह अगर हम आईएलडी ऑफ आर ए लिखना चाहें तो सिंपल है, इसको हटाएंगे और उसको उठा देंगे, अब इसको यहां से उठा दिया 1 यूनिट, 1 यूनिट उठाया, इसको और इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। आप स्केल से बना लीजिएगा, ये हो जाएगा 1+1/3 क्योंकि सिमेट्रिक है, और ये हो जाएगा आपका 1/3, और ये तो 1 है ही। तो ये हो गया आईएलडी फॉर आर ए। अब क्वेश्चन है आईएलडी ऑफ आर सी खींचना है, सॉरी शेयर फोर्स एट सी खींचना है, एस सी, शेयर फोर्स एट सी, बस। तो इसको भी वैसे ही करना है, ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है, ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है, और यहां से डाउन के दिस इज पॉइंट सी। अब सी को क्या करना है, डिस्कनेक्ट कर देना है, क्योंकि शेयर फोर्स क्या करता है, आपस में फोर्स लगाता है, ऊपर नीचे फोर्स लगाता है, और ये इधर वाला जाएगा नीचे और उधर वाला ऊपर, तो ये ऐसे नीचे जाएगा, मान लीजिए यहां आ गया, ऐसे चला गया, और ये जाएगा ऊपर,
तो ये जाएगा ऐसे, तो ये उसको जाएगा ऐसा, इतना आसान है। अब हमें ये हाइट निकालनी है, तो ये हाइट अगर निकालनी है तो अपना नहीं दूसरे का, दूसरे वाला का कितना है 4 मीटर, तो 4 मीटर 4 बाई टोटल हाइट लेंथ कितना है 6। उसी तरह अगर इसका निकालना है तो इसका वाला लेंथ, तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 2 मीटर 2 बाई 6। अब देखिए यहां से यहां तक 2 मीटर है और यहां से यहां तक भी 2 मीटर है, तो जितना ये नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा, तो 4 बाई 6 बराबर हो जाएगा 2 बाई 3, तो ये भी 2 बाई 3 उठ जाएगा ऊपर। ये देखिए ये गया 2, और ये 2 बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 3, ठीक है। तो ये उठा 4 मीटर में 1 बाई 3, और यहां से यहां पे कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर में कितना जाएगा 1 बाई 6। ये जितना उठा है क्योंकि इसका हाइट लेंथ कम है, तो ये जितना ऊपर उठा है उससे आधा उधर नीचे डाउन हो जाएगा, तो 1 बाई 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमने शेयर फोर्स का, इतनी आसानी से खींच लिया, तो ये हो गया। अगर इसमें साइन कन्वेंशन देखें तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इस तरह से हम शेयर फोर्स का हमने खींच लिया एट सी। अब बच गया हमें बेंडिंग मोमेंट एट सी, इसको मिटा देता हूं। अभी मेरा इरादा था नहीं वैसे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डिस्कस करने का, लेकिन एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरा एग्जाम है तो आप आईडी बताइए, तो चल काम मैंने कि चलो ठीक है आईडी पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया, अब आते हैं अगला करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट में ये तो हमारा 2 सपोर्ट पॉइंट है, और यहां जहां पॉइंट सी है यहां पर हमने हिंज लगा दिया, हिंज लगा के इसको ऊपर ले गए, तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। अब क्वेश्चन ये है कि ये हाइट कितनी होगी, यही निकालना है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि इधर जो डिफ्लेक्शन थीटा 1 और ये थीटा 2 दोनों जोड़ के 1 होता है, और थीटा 1 क्या होगा, थीटा वन प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 1, और थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, दिस लेंथ बाई दिस हाइट, हाइट मान लेते हैं डेल्टा है, तो डेल्टा बाई 4 मीटर है ना 4, प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा, ये भी डेल्टा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2, इसको लिखते हैं 4, ये डेल्टा प्लस 2 डेल्टा इक्वल टू 1, सम टू 3 डेल्टा बाई 4 इक्वल टू 1, एंड डेल्टा बराबर 4 बाई 3, तो ये हाइट हो गई 4 बाई 3। तो ये भी हाइट हो जाएगी क्योंकि ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो ये भी हो जाएगी 4 बाई 3, और ये हाइट जो होगी इसका आधा होगा यानी 2 बाई 3। तो यह हो गया एमसी आईएलई फोर मोमेंट एट सी। तो ये था मूलर्स ड्रेसलॉ प्रिंसिपल। आप लोग अपने बुक्स में से और भी इस तरह के कई प्रॉब्लम्स दिए होंगे, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, ये बहुत ही आसान और मजेदार टॉपिक है। इसके बाद अभी मेन एक और इसमें वीडियो बनाना जरूरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये सब तो बेसिक्स थी, और ये जो इस वीडियो में जो मैंने बताया इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और हो सकता है कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ जाएं, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाएं, तो इसको इस तरह से हम लोग आसानी से खींच सकते हैं। दूसरी बात है कि इसका नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसके पहले के सीरीज के जितने भी आईएलई के वीडियो है वो पहले देख लीजिए। आप देखने के बाद
जब नेक्स्ट वीडियो मैं एक दो दिन बाद अपलोड करूंगा तो उस वीडियो को देखेंगे तो हम कम से कम मेरी तरफ से जितना मैंने सोचा है, आईएलडी तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, जब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में जाएंगे तो बहुत कैलकुलेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज अगर जब आप इनडिटर्मिनेट बीम में जाएंगे तो जब वो कर्वेचर बनता है तो उस कर्वेचर का ऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको पैराबोलिक इक्वेशंस सॉल्व करने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है कैलकुलेशंस। जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या कोई आप स्टेट लेवल का स्टेट लेवल का पीएससी जो होता है, अगर उन तरह के एग्जाम्स में उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए हैं ये और इसके अगला वीडियो वहां तक आपका सारा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई एमटेक वगैरह कर रहे हैं और कुछ उसको ज्यादा नॉलेज चाहिए देन वो बुक से आराम से पढ़ सकता है, बुक में बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर पसंद आया होगा, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद अपने किसी फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं लेकिन मुझे उस तरह का रिस्पांस मिल नहीं रहा जिस तरह से मैं मेहनत करके थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं, और उसके पीछे मेरा और भी मोटिव है, मैं कभी बताऊंगा, बट आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग शेयर कीजिए, बहुत जल्दी इस चैनल को जितना दूर तक हो सके पहुंचाइए। ये जिम्मेदारी मैं आपको हमेशा से देता रहा हूं, इस बार भी दे रहा हूं कि आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। धन्यवाद।